घोषणा पत्र में हमारी राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल क्यों हो रही है उसके बारे में विस्तृत रूप से आप सभी को बता दिया गया है। जहां तक मुद्दों का प्रश्न है, मुद्दों को लेकर 2 अक्टूबर को जो वर्चुअल मीटिंग हुई केंद्रीय श्रमिक संगठनों इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशंस की, उसमें सभी नेताओं ने, विभिन्न ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने एक मत से यह तय किया कि इस बार मुद्दे हम बोलेंगे जिसमें करीब करीब हिंदुस्तान की वो आम जनता, मजदूर, कर्मचारी, अधिकारी जो इस केंद्र सरकार की नीतियों से परेशान है वो सब शामिल। और मैं समझता हूं कि अभी पब्लिक के बीच में जहां जहां हम लोगों ने अपना उद्बोधन दिया, जहां जहां हम लोगों ने अपनी बात रखी, मुद्दे रखे, तो लोगों ने हमारे मुद्दों का तहे दिल से स्वागत किया। अब देखिए आप, इनकम टैक्स पे और नॉन इनकम टैक्स पे कितना अच्छा मुद्दा है कि जो इनकम, नॉन इनकम टैक्स, जो लोग इनकम टैक्स नहीं देते हैं उन सारे लोगों को भी इसमें शामिल किया है। उन गरीब लोगों को जिनको 2 टाइम का भोजन नहीं मिल पा रहा है उनके लिए राशन की व्यवस्था की भी यहां किया गया है। मनरेगा के अंदर यह कहा गया है कि कम से कम 200 दिन की गारंटी मनरेगा के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में काम की देना चाहिए और इसका विस्तार शहरी क्षेत्र में भी करना चाहिए और बल्कि इसके जो रेट्स हैं उनको भी बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा इसमें किसानों को भी जोड़ा गया है। किसानों का जैसा प्रधान जी ने आपको बताया था कि इस बार की हड़ताल 20 करोड़ वाली नहीं रहेगी। हम तो हमेशा कहते हैं कि यह विश्व की सबसे बड़ी हड़ताल है और 26 नवंबर की हड़ताल भी विश्व की बहुत बड़ी हड़ताल होने जा रही है। कम से कम आप मान के चलिए कि मजदूर वर्ग तो इसमें शामिल है ही। इसके अलावा आप 25 और 26 तारीख को देखेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान के किसान हैं वो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेंगे। ये इस हड़ताल की महान उपलब्धि होगी। तो करीब करीब 25 करोड़ से ज्यादा यहां इसमें शामिल होंगे लोग। अब जहां तक सरकार की नीतियों का है तो हम तो हमेशा से, सरकार कोई सी भी रही हो, अभी आदरणीय त्रिपाठी जी बता रहे थे, मैं बता दूं कि जब ट्रेड यूनियन में हम आते हैं तो हम अपनी राजनीतिक विरासत को एक साइड में रख देते। मुझे ध्यान है दिल्ली के अंदर नेशनल कन्वेंशन हुआ था, सरकार यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का कॉल था और इंटक के साथी रेड्डी जी ने उस समय कहा था कि मैं लीड लूंगा, अगर सरकार की नीतियां मजदूर विरोधी हैं तो मैं ये नहीं देखूंगा कि कांग्रेस की सरकार है या और किसकी सरकार है। तो इस बार भी ये प्रयास है कि हर आदमी को जोड़ जाए। मजदूर, अरे हमको तो जाकर अपने अपने क्षेत्र में बताने की आवश्यकता है। अभी प्रधान जी अंबानी जी का नाम ले रहे थे, अरे अंबानी जी के लोग कोविड महामारी के दौरान लोग परेशान हुए, 2 टाइम की लोगों को खाना नहीं मिला है, उन मजदूरों को देखो क्या हम भूल जाएंगे? 4 घंटे के टाइम देकर आपने देश के अंदर लॉकडाउन कर दिया, लोग अपने अपने घरों की ओर पलायन किए, सड़कों पर मजदूरों को रोका जा रहा है, ट्रेन के पटरी के रास्ते से मजदूर आ रहे हैं, तो क्या हम भूल जाएंगे उन 16 मजदूरों की शहादत जो ट्रेन से कटकर, मालगाड़ी से कटकर जिनकी डेथ हुई? देखा होगा टीवी के अंदर किस तरीके से सूखी रोटियां उस पटरी पर पड़ी हुई थी। तो आज हमको आवश्यकता यही है कि जो मुकेश
अंबानी जिसकी प्रॉपर्टी करीब 4,20,000 करोड़ के आसपास थी और आज वर्तमान में महामारी के दौरान 6,68,000 करोड़ रुपए उसकी प्रॉपर्टी हो गई मुकेश अंबानी की। आज गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। आज मजदूर को बताने की आवश्यकता है कि ये 6,68,000 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी ने अपनी मेहनत से नहीं कमाए। आज मजदूर को केवल यह जगाने की आवश्यकता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो अकूत संपत्ति पैदा हो रही है उसको पैदा करने वाला मजदूर है। मजदूर अपना श्रम बेच रहा है, मेहनत कर रहा है और उससे जो प्रॉफिट हो रहा है उससे अकूत संपत्ति हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रही है। तो क्या मजदूर को उसके श्रम की सही कीमत मिल रही है? क्या जो प्रॉफिट इन धन्ना सेठों को, उद्योगपतियों को कमाकर मजदूर दे रहा है, क्या उसको उसका मेहनताना मिल रहा है? आज अगर मेहनताना 20,000 रुपए महीने मिलना चाहिए और उसको 10,000 रुपए महीने मिल रहा है, तो 10,000 रुपए सीधा सीधा उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है और यही तो उनकी प्रॉपर्टी, यही दिन दूनी रात चौगुनी प्रॉपर्टी बन है। ये हमको मजदूरों को बताना पड़ेगा, ये उन लोगों को बताना पड़ेगा जो इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, परेशान है सरकार की नीतियों से। कि जुड़िए 26 नवंबर को, आपका मुद्दा भी है इसमें। आज किस तरीके से सार्वजनिक, मैं बैंक से हूं, विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा आपको कि हिंदुस्तान पहले भी सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया है। देश के बैंकों के अंदर करीब 140 लाख करोड़ रुपए आम आदमी का बैंकों में जमा है और बार बार यूनियन सड़क से लेकर संसदों के सामने प्रदर्शन करती है कि इस 140 लाख करोड़ का उपयोग देश के विकास, कल्याणकारी योजनाओं, रोजगार सृजन में होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? आज उस 140 लाख करोड़ रुपए में से करीब 15 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े धन्ना सेठ उद्योगपतियों के नामे ऋण हैं और ये वो धन्ना सेठ है जो बैंकों में उगाही के नियमों की शिथिलता का फायदा उठाकर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर जानबूझकर बैंकों का पैसा नहीं लौटा रहे। बैंकों की ट्रेड यूनियन सरकार से मांग कर रही है कि यदि रेलवे में टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाया जा सकता है तो जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं लाया जा सकता? अरे जिन लोगों ने आम जनता का पैसा दिन दहाड़े बैंकों से लूट रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करो, चीखों के अंदर डालो, उनको करो जेल के अंदर, देखते हैं कौन पैसा नहीं देता है आम आदमी। लेकिन हो ये रहा है, गरीब लोन लेने जाएगा गरीब को नहीं मिलेगा, किसान लोन लेगा फसल बर्बाद हो जाएगी, उसके ट्रैक्टर को बैंक वाले बैंक में ले जाकर रख देंगे। आज सरकार कई तरह की घोषणा करती है, कभी आपने देखा कि सही तरीके से आप जाओगे तो बैंकों से लोन मिल पाएगा? लेकिन आज बड़े बड़े उद्योगपति धन्ना से वो कभी बैंकों में नहीं आते, ऊपर से राजनीतिक दबाव होता है और बैंक के बड़े बड़े अधिकारी उन धन्ना सेठों के घरों पे एसी चैंबर्स ऑफिस में जाकर उनको लोन देते हैं और वो ही बैंकों का लोन ढकार कर यहां से भाग जाते। तो ये हमको लोगों को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आम आदमी के पैसे को हिंदुस्तान के अंदर लूटा जा रहा है। क्या इसके लिए हमारी लड़ाई नहीं होना चाहिए? क्या हमको नहीं लड़ना चाहिए? अरे सीधा है कि वेल्थ, जो अकूत संपत्ति पैदा हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, उसका बंटवारा सही तरीके से होना चाहिए। जिस दिन सही तरीके से बंटवारा हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि देश के अंदर वास्तव में खुशहाली आ जाएगी। तो इस मौके पर, क्योंकि वक्ता बहुत है, ज्यादा कुछ ना कहते हुए मेरा आप सभी से यही गुजारिश है कि 26 नवंबर की ये राष्ट्रव्यापी सबसे बड़ी विश्व की जो हड़ताल होने जा रही है, ये केंद्र सरकार को साफ साफ चेतावनी है कि भाई ट्रेड यूनियन के चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर
हमारे नेताओं को हमारी ट्रेड यूनियनों को बुलाकर बात करें, इनका अविलंब निराकरण करें और निराकरण न होने की स्थिति में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा जिसमें और राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल शामिल होंगी। बहरहाल आवश्यकता है एकजुटता की, बहरहाल आवश्यकता है। मैं आपको और बता दूं कि स्पष्ट रूप से ट्रेड यूनियनों का बेसिक फंडा है कि अब हिंदुस्तान में मजदूरों को कोई भी जाति धर्म के नाम से नहीं बांट पाएगा, क्षेत्रीयता के नाम से नहीं बांट पाएगा, राजनीतिक विचारधाराओं के नाम से नहीं बांट पाएगा। मजदूरों की राजनीति अपने पेट से शुरू होती है, मजदूरों का अर्थशास्त्र अपने पेट से शुरू होता है, जो हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करेगा, जो हमारे पेट पर लात मारेगा वो हमारा दुश्मन होगा, और संघर्ष में जो हमारे साथ सड़कों पर खड़ा होगा वो हमारा हितैषी होगा, मित्र होगा। तो कहते हैं ना कि जब एक हाथ उठता है तो काट दिया जाता है, जब दो हाथ उठते हैं तो शोषण और अत्याचारों में बढ़ोतरी होती है, और जब करोड़ हाथ एक साथ उठते हैं तो मजदूरों की मांगों का निराकरण होता है। इंकलाब जिंदा।